Hello, my dear friends and scholars. Welcome back to all of you once again to your own channel, Anand the Law. जी हाँ, आज हम लोग दो मैगजीन जो कि क्रिमिनल लॉ की हैं, उनके बारे में समझेंगे। जो पहली मैगजीन है वो है न्यूलम क्रिमिनल सिन लेगे पोइना सिन लेगे। बड़ा टफ है, याद भी नहीं होगी, तो एक चीज याद रखिएगा, जिसमें न्यूलम क्राइमा पोना ये शब्द हो, उस मैगजीन का क्या मतलब है, ये बात हमें जानना ज्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि नो क्राइम विदाउट लॉ, मतलब ये है कि अगर आप क्रिमिनल लॉ में कोई एक्ट करते हैं और वो ऑफेंस होगा या नहीं, ये प्री डिक्लेरेशन पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर कोई काम, कई बार मैंने एग्जांपल दिया, फर्ज कीजिए ऑनलाइन टीचिंग करना आज की तारीख में वैलिड है, लॉ की नजर में ये लीगली नॉट प्रोहिबिटेड एक्ट में नहीं आता है, लीगली अलाउड एक्ट में है। कल को अगर यही एक्ट प्रोहिबिटेड में आ गया तो अगर आनंद सर ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इट इज एन ऑफेंस। लेकिन अगर ये पहले से कोई प्री डिसाइडेड नहीं है और अब मैं ऐसा कोई काम करता हूं तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं। अगर चोरी आईपीसी में नहीं लिखी गई है या किसी भी लॉ में नहीं लिखी गई है कि गलत है और मैं आज चोरी करता हूं, कल आप लॉ बना दीजिए, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं ठहराया जाऊंगा। इसीलिए कहता है वन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। तो अगर आपको क्रिमिनल लॉ में किसी को पनिश करना है, किसी को पनिशमेंट दिलाना है, किसी को गिल्टी ठहराना है, तो ये जरूरी है कि जिस एक्ट के लिए आप उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उसका ऑफेंस होना पहले जरूरी है। अब याद हो गया, एक बार फिर से पढ़ते हैं, न्यूलम क्रिमिनल सिन लेगे पोइना सिन लेगे, बात ठीक है। अब आइए दूसरी मैगजीन पे बात करते हैं, नॉन कॉम्पोसो मेंटिस। इसका मतलब क्या है? व्हेन द कॉग्निटिव फैसिलिटीज आर सो दैट he does not know that what he has done. Cognitive facilities का मतलब है thinking, reasoning. जब आपकी ये क्षमता छुड़ हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसी क्षमता आपके पास है नहीं, जैसे फर्ज कीजिए डॉली इन कैपेक्स, ऐसा बच्चा जो 7 साल से नीचे का है, उसका अपना कुछ नहीं है, इनसेन पर्सन आईपीसी में, अगर कोई पागल कुछ कर रहा है तो he is not liable for that particular offense. जिस ऑफेंस के लिए आप उसको खसीट के मुकदमा चला रहे हैं अदालत में, उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो इस मैगजीन का यही मतलब है नॉन कॉम्पोसो मेंटिस का, कि अगर उसकी कॉग्निटिव फैसिलिटीज इस प्रकार है कि वो नहीं जानता है व्हाट ही इज गोइंग टू डू और क्या वो क्या कर रहा, छुण हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसी क्षमता आपके पास है नहीं, जैसे फर्ज कीजिए डॉली इन कैपेक्स, ऐसा बच्चा जो 7 साल से नीचे का है, उसका अपना कुछ नहीं है, इनसेन पर्सन आईपीसी में, अगर कोई पागल कुछ कर रहा है तो ही इज नॉट लाइबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। जिस ऑफेंस के लिए आप उसको खसीट के मुकदमा चला रहे हैं अदालत में, उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो इस मैगजीन का यही मतलब है नॉन कॉम्पोसो मेंटिस का, कि अगर उसकी कॉग्निटिव फैसिलिटीज इस प्रकार है कि वो नहीं जानता है व्हाट ही इज गोइंग टू डू और क्या वो क्या कर रहा है, तो दैट पर्सन इज नॉट लाइबल अंडर द पिनल लॉज। ये बात ध्यान रखिएगा, पिनल लॉज में केवल उन्हीं के लिए आप क्या करते हैं, पनिश कर सकते हैं, जिसमें जब उसकी कॉग्निटिव फैसिलिटीज या कॉग्निटिव जो उसकी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज हैं वो वर्क कर रही हैं। अगर इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग मींस दैट पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर दैट एनी पर्टिकुलर ऑफेंस, आइदर डिफाइंड इन द कॉमन लॉज और डिफाइंड इन एनी स्पेशल लॉज। सो दिस इज ऑल अबाउट द दीज टू मैक्सिम्स। होप यू लाइक दैट। थैंक यू।